नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग सभी सकुशल होंगे। सभी त्यौहार खत्म हो गए हैं, जैसे दीपावली है, दशहरा है और छठ पूजा, ये सभी त्यौहार खत्म हो गए हैं और अभी हम सब थोड़े फ्री हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम पे कुछ होम डेकोर बनाया जाए, फ्री टाइम है। तो मुझे घर में ये चार्ट पेपर मिला था, ये मेरे बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट का बचा हुआ चार्ट पेपर था, तो इसी को यूज़ करके मैं आज एक होम डेकोर बनाऊंगी। वैसे भी मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कम से कम खर्चे में और या तो जीरो इन्वेस्ट में कैसे घर को सजाया जाए या कैसे अपने गार्डन को सजाया जाए, कैसे होम को ऑर्गेनाइज किया जाए, हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है। ये देखिए, ये जितने भी हैं, ये झाड़ू का क्राफ्ट है, ये पेस्ट्री बॉक्स से बनाया था मैंने, ये बोतलें कुछ खाली पड़ी थी उनसे क्राफ्ट बनाए थे, ये जेम्स की बोतल से बनाया था, ये ऑयल कैन का है, ये डेटॉल हैंड वॉश का और प्लास्टिक की बोतल से मैंने बनाया था। तो मैक्सिमम जितने भी मेरे DIY होते हैं वो जीरो कॉस्ट या लो बजट कॉस्ट पर ही मैं बनाती हूँ। तो आज हम इस चार्ट पेपर का यूज़ करके एक होम डेकोर बनाते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 22 इंच चौड़ा और 18 इंच लंबा चार्ट पेपर लिया है और इसके सेंटर में हमने निशान लगा लिया है 11 इंच पर। अब यहाँ पे हम निशान को सेंटर में रख के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। बड़ा सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर छोटा एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें बुद्धा की आकृति बनाऊंगी। आप अपनी पसंद से कोई भी आकृति बना सकते हैं। बुद्धा की आकृति बनाने के बाद जो हमने सर्कल बनाया उसके साइड से ऐसे ब्रांचेस निकालेंगे, डालियाँ, और उस पर छोटे छोटे से पत्ते बना लेंगे और इस तरह से मैं पूरे चार्ट पेपर पे ड्रॉ कर लूँगी। ये देखिए, मैंने पूरे चार्ट पेपर पे ड्रॉ कर लिया है। हमें पहले से साइड का कॉर्नर निशान लगा के छोड़ देना था, वो हम पहले भूल गए थे, तो अब हम इसमें 2.5 इंच का निशान लगा के ऐसे चारों साइड में बॉर्डर छोड़ देंगे। इसकी चारों साइड में बॉर्डर ड्रॉ करने के बाद अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमने कटिंग कर लिया है, अब इसको अलग कर लेते हैं। ये इस तरह आराम से धीरे धीरे अलग कीजिएगा, नहीं तो ये फट सकता है, क्योंकि ये एक पतला सा चार्ट पेपर है, तो बहुत ही सावधानी से निकालिएगा। ये देखिए, हमने इसको भी इस तरह से निकाल लिया है। ब्रांचेस से अलग करते टाइम ब्रांचेस पे उंगली रख लीजिएगा, अगर कहीं जॉइंट हो तो देख लीजिएगा। अब हम एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे, इसमें बीच के एरिए से हमने आदि योगी क्राफ्ट बनाया था, अब इसी के साइड में से हमने 18x22 का टुकड़ा काट के निकाल लिया है और ये जो पेपर के टुकड़े निकले हैं ब्लैक कलर के, इसी को इसके साइड में फेविकॉल से चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको पूरा कवर कर लेंगे, हमने पूरा कवर कर लिया है और अब जो हमने बुद्धा का ड्राइंग कटिंग किया था उसको ऐसे लेंगे, पहले सेट करके देख लेंगे, अच्छे से सेट हो गया है तो अब इसको हम फेविकॉल लगा के इसके साथ चिपका देंगे कार्डबोर्ड के साथ। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ अच्छे से चिपका लेंगे फ्रेंड्स। चारों साइड्स को चिपकाने के बाद जो एंड की लास्ट पत्ती है उसमें थोड़ा सा फेविकॉल लेंगे और इसको कॉर्नर के ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे। सभी पत्तियों को इसी तरह बॉर्डर पर चिपका देंगे। ये देखिए, हमने चिपका लिया है, अब इसे हम पलट लेंगे और पीछे साइड में कॉर्नर पर में हम स्पॉन्ज टेप लगा लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। ये देखिए, हर साइड में हमने 3 टुकड़े लगाए हैं स्पॉन्ज टेप के, क्योंकि स्पॉन्ज टेप डबल साइडेड होता है इसीलिए हम इसी का उपयोग करेंगे। हमारा होम डेकोर बनकर रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे होम डेकोर का फाइनल लुक, देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है। 5 रुपए के कवाड़ से आपने इतना सुंदर होम डेकोर बना लिया जो मार्केट में 1500 में भी अवेलेबल नहीं है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। उससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं ऐसे और भी बहुत से वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।